दिन रात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का वावेला करने वाला भारत तो खुद इंतहा पसंदी का गढ़ निकला। समझौता एक्सप्रेस बम धमाके, बाबरी मस्जिद शहादत और दीगर बेशुमार दहशतगर्दी के वाकयात में हिंदू इंतहा पसंद मुलव्विस रहे। भारत की आला फौजी क़यादत के संघ परिवार से रवाबित और मुसलमानों का इस्तेहसाल विकीलीक्स इंकशाफात में नुमाया हो गए। बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में भारत की मदाखलत के पाकिस्तानी खदशात दुरुस्त साबित हुए। सबसे चश्मकुशा इंकशाफ ये है कि इंतहा पसंद हिंदुओं का दर्द सर और मुंबई हमलों में हलाक होने वाले ATS सरबरा हेमंत करकरे खदशा जाहिर कर चुके थे कि भारतीय फौज और हुकूमत उन्हें कत्ल कर देगी। और अब अजमल कसाब के नाकिस एतराफ का इंकशाफ मुंबई हमले की असर नौ जामे तफ्तीश का तकादा कर रहा है। इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका की नज़र में खित्ते के लिए हिंदू दहशतगर्द नेटवर्क तो अलकायदा और तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है। सिफारती दस्तावेजात कहते हैं कि साबिक भारतीय आर्मी चीफ दीपक कपूर एक जारियत पसंद और झूठे दावे करने वाला शख्स है। जाति जायदाद बनाने से ज्यादा लगाव है। दीपक कपूर और मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ जनरल सिंह के दरमियान इख्तलाफात के सबब फौज दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। दस्तावेजात मकबूदा कश्मीर में भारतीय फौज के इंसानियत सोच मदालिन की तस्दीक करते हैं। बिलखसूस एक लेफ्टिनेंट कर्नल AK माथुर मकबूदा वादी में तरीक़ा मदालिन की वजह से शैतान का वकील पुकारा जाता है।